हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए। जिम से पहले जब भी आप जिम में जाते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या खाना है, पहले प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको एक यूनिक, एक अलग तरीके की मील आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहे एंड तक। अरे यार, कट कर दिया करना यार, जब मैं ऐसे कर तो कट कर दिया कर। ओ भाई, ध्यान नहीं दिया, देखा कर ना, ध्यान दिया कर। चलो अगला सीन लगते हैं। कुछ मतलब करना क्या है पहले तो ये बता ना। बोल तो दिया यूनिक और है अपने मुसलमान, देखना पड़ेगा क्या क्या पड़ा है। ओ भाई, कुछ भी डाल देंगे। नहीं यार, कुछ भी क्या डाल देंगे, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर देंगे यार। पहले तो चेक कर ना उधर किचन में क्या है, देखना पड़ेगा भाई पहले क्या है, उसके बाद ही वीडियो बनेगी ना। बना दो भाई ऐसे कुछ भी यार। तो समझ नहीं आ रहा यार करना क्या है। ऐसा करेंगे डाल देंगे कुछ यार। तो गाइस, अभी किचन में आ गए हैं और अब भी आपको दिखाते हैं कि प्री वर्कआउट मील क्या होती है और किस तरह से आपको उसको तैयार। अबे यार, ये देख लिया, कट कर पहले देख लेना। सुनील इधर देख, पहले ये देख पूरा क्या है यार, ये पूरे बर्तन वर्तन आ रहे हैं नीचे देख रहे हो। और ये देख लो, खुद के एनर्जी ड्रिंक यार लोगों को खिला रहे हैं प्री वर्कआउट मील का यार। उठाओ यार, यहाँ से सारा साफ करो यार, ऐसे ही बनेगी वीडियो यार। एक तो बियर पी थी यार, यार फिर काम भी तो चाहिए इसका, इसको इधर रख सकते हैं। चल तो मेरा कैमरा बंद है। बंद है। यार यहाँ कैसे चीज़ें मत किया यहाँ पे, यूट्यूबर हो यार, वीडियो बनानी होती है ऐसे। वो कहीं भी कुछ भी यार धीरे रखी हुई है, सारे पोल पट्टी खुल जाएगी ऐसे। तो ये रखो ना, सही कर रख कर दिखे, हाँ और बढ़िया जिम वाले बंदे हैं ऐसे रखो। चलो कर स्टार्ट। तो गाइस, आप किचन में आ गए हैं। तो गाइस मैं चिकन यार तो गाइस मैं किचन में आ गया हूँ और अभी आप मेरे साथ। तो कट कर ये भी दिखाना पड़ेगा ना, फिर वीडियो में आएगा अच्छा नहीं लगता ना भाई। दिखा दो ना यार, ऐसे ही काम खत्म करो। अरे ऐसे कैसे यार, कुछ भी दिखा दे यार, खत कर रहे यार तुझे, तो जाना तो जा सकता है भाई, ऐसे नहीं दिखा सकते यार, ऐसे नहीं दिखा सकते आप। ये सही, ये ज़्यादा तो नहीं आ रहा पीछे, ये देखना सब सही आ रहा है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख ले पहले, बाद में कभी बोले मुझे गड़बड़ दिखे ना फिर। तो किससे शुरू कर रहे हैं, अभी स्टार्ट मत करना, पहले बोल रहा हूँ। जैसे मैं स्टार्ट के लिए बोलूँगा ना, फिर मैं नीचे ऐसे कढ़ाई निकाल के लेके आऊँगा इधर से, ठीक है भाई। चल स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए ये बर्तन, कढ़ाई इसको बोलते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट मील कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली है, कुछ एडवांस लेवल की। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट आज जो होने वाला है वो कुछ अलग है, जो आपके बॉडी पे इंस्टेंट वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके, बहुत ज़्यादा पंप मिलने वाला है यार, बहुत ज़्यादा पंप मिलने वाला है। करना क्या है कुछ अपने पास, क्या क्या मिलाए। एक मिनट, बैटर रखिए, इसको बंद रखिए। बंद है भाई ये तो।
तो गाइस स्टार्ट कर। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए गैस को ऑन करना है। अरे कट कर इसको दोबारा। तो गाइस सबसे पहले हमें गैस को ऑन करना है, जो कि मैं कर लेता हूँ अभी। गैस हमारी ऑन हो गई है, तो इसमें क्या डालना सबसे पहले? पानी और डाल दो यार। हाँ इसको पट कर दोबारा सकते। तो सबसे पहले हमें डालना है इसके अंदर पानी। तो आपको ज़्यादा इसके अंदर नहीं मिलाना है, सब 150 से 200 ml वाटर इसके अंदर मिलाना है। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ओट्स। ओट्स कितने? अभी रुके मिनट, कितने डाले? 100 ग्राम बोल देते हैं। 100 ग्राम बोल देते हैं यार। हाँ 100 ग्राम बोल दो। ठीक है 100 ग्राम बोल दो। स्टार्ट। तो इसके अंदर डालने हैं हमें 100 ग्राम ओट्स। सही में भी डाल रहा हूँ, ये हमारे हो गए हैं 100 ग्राम ओट्स। बहुत अच्छे बना लिए। और अब क्या करना है कि हमें वेट करना है 10 मिनट। इसको 10 मिनट इसको ऐसे ही पकने देना है। कट कर देना है। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं। हो गए ना? 10 मिनट कितने हुए? अरे कितना हुआ? 10 मिनट हो गए? 2 मिनट। अरे चल दिया स्टार्ट। सो गाइस 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी इसके अंदर बताएंगे पीरी पीरी इसके अंदर मिलाएंगे। देखो देखते हो, ये है मेरे पास, तो ये इसके अंदर मिला देते हैं पूरी। जो आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ थोड़े से यूज़ करना है भाई। ये तो मिर्च है। अरे ये मिलानी पड़ी। अरे कोई नहीं यार, कौन सा खानी है, दिखानी है बस। ऐसे यूट्यूब है यार कुछ भी चलता है, बस ये दिखानी है, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है कर स्टार्ट कर। तो ये डालेंगे, इससे अपना टेस्ट और इससे अच्छी खुशबू भी आएगी। तो थोड़ा सा ये मैंने डाल दिया। ठीक है गाइस, सच बोल रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसको होने वाला है, ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है इसका। तो अभी तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये लाइन में दोबारा बोलूँगा फिर। ठीक है स्टार्ट कर। तो इसको अभी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो अभी इसमें डालने से थोड़ा नमक, ताकि हमें नमक चाहिए जिम से पहले, ज़रूरी होता है। तो रोक। अरे भाई सच में होता है ज़रूरी? डाल दे नमक, कोई दिक्कत तो नहीं है? और भाई डालना यार, कौन सा हमने खानी है? खानी तो यही है। चलो ठीक है स्टार्ट कर। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आप खाते हो उतना बस। ठीक है और क्या डालें? और फिर से इसको 10 मिनट रखना है। कट। तो 10 मिनट हो गए गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा अभी से खाने का मन कर रहा है इसको, बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी इसके अंदर क्या मिलाऊँ? तो गाइस अभी जो चीज़ इसके अंदर मिलाने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आज तक किसी यूट्यूबर ने भी नहीं बताई है। ये होता है कोकोनट ऑयल। ये ऑयल आपने ज़्यादा नहीं मिलाना इसके अंदर, थोड़ा सा। ये आपके जो मसल में मतलब ताकत डाल देगा, जिससे आपको पंप बहुत अच्छा आएगा जिम के अंदर। तो ये देखो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये हो गया। और अभी क्या है,
देखिए गद्दी मैंने कहा जो करना है अभी भाई, इसको और यूनिक दिखाना है हमने, और अलग दिखाना है, बिल्कुल अलग दिखाना है इसको। तो अभी क्या है अपने पास है ना, ये पड़ी हुई है कोक कोका कोला, ये अपने पास कोका कोला पड़ी हुई है, कैमरा बंद है ना, तो कोका कोला पड़ी हुई है और डाल देते हैं। कर तो स्टार्ट, कर स्टार्ट, इधर इधर से उठाऊंगा, ठीक है चल स्टार्ट। तो अभी गाइस इसके अंदर जो चीज़ मिलाने वाला हूँ वो आप अक्सर पीते होंगे, बट आप सोचते होंगे कि वो बहुत ख़राब चीज़ है कोका कोला। मैं नहीं मानता कि ख़राब चीज़ है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ और प्री वर्कआउट भी ले मैं इसको कंज्यूम करता ही करता हूँ, और ओट्स के साथ मैं इसको सिर्फ थोड़ी सी मिलाता हूँ, मतलब ये देखो देखते हैं ये इसके अंदर मिला है, बाद में दिखाऊंगा कि कैसे क्या बना हुआ है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। थोड़ा और डाल देते हैं इनसेन पंप के लिए, ये सब चीज़ें करता हूँ मैं, तो बिगनर्स इसको ना करें, ये एडवांस लोगों के लिए है। एक मिनट काटो, किन के लिए बोले, एडवांस के लिए करें या बिगनर के लिए, वो बता पहले। दोनों के लिए कर दो यार। दोनों के लिए नहीं यार, चल दोनों के लिए कर देते हैं, देखने तो बिगनर्स नहीं है ना, दोनों के लिए कर दे क्या, दोनों के लिए कर देते हैं फिर ज़्यादा व्यूज आएंगे। सभी के लिए बोल दो। हाँ ठीक है ठीक है, कर सकते। तो ये जो प्री वर्कआउट मील है ये बिगनर्स भी ले सकते हैं, ये इंटरमीडिएट भी ले सकते हैं और एडवांस भी ले सकते हैं। तो ये हो गया बोला, और ब्रेड भी लेने हैं आपने दो, तो ब्रेड आप या तो इसमें मिला के खा सकते हो या बाद में, वो उस बाद में बताऊँगा आपको, भी वो कर देते हैं प्लस साइड में, साथ में मिला दो ब्रेड। मिला दो और क्या। अरे नहीं यार, ऐसे ब्रेड मिलाएंगे तो काफ़ी खराब हो जाएगा ना, थोड़ा स्टाइल बाद में दिखाते हैं ना, वो दिखाएंगे ठीक है। अभी कट कर, कट कर करना, अभी चलाना मत कैमरा, बंद है कैमरा तो। और क्या है, और क्या, और क्या, उधर देख लो पिछले वाले उधर देख, अलमीरा में देख ले, मेरे कुछ रखा गया, ये फ्रीजर में देख ले यार, कुछ पड़ा होगा। कुछ नहीं यार इधर भी यार, एक तो घर में चीज़ें ही नहीं है कुछ है नहीं, कुछ उधर पड़ा नहीं। चल यार इसी कुक करते हैं, स्टार्ट कर सर। तो गाइज अभी इसको 10 मिनट और पकने देना है, तो हमारे टोटल इसमें 30 मिनट लग जाएंगे प्री वर्कआउट मील को रेडी होने में। तो आप इसको जिम से एक घंटा पहले दो घंटे पहले खा लीजिएगा, तो इसको 10 मिनट तक अभी रखे रहने देते हैं। इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इससे, और मेरा तो अभी मन हो रहा है कि अब ऐसे ही खा जाना इसको, बट इतना इसको सब वो पता है ना आपको, सबर का फल मीठा होता है, तो वही बस वही चीज़। तो गाइस हमारी प्री वर्कआउट मील रेडी हो चुकी है, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसी है। तो कुछ इस तरह की है हमारी प्री वर्कआउट मील, तो इसको मैं भी खाने वाला हूँ, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अभी इसको मैं खाने वाला हूँ, और आज करने वाला हूँ दमदार वर्कआउट जिम के अंदर। आप भी इसको करके देखिएगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। कट कर, कट कर, कट कर, कट कर, क्या बोलते खाएं? हाँ खा लो। हाँ खाई नहीं जाएगी, सच बोल रहा हूँ। ऐसा करते हैं, खाते हुए नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे खत्म हो गई, खा लेंगे। बस यार खत्म कर, इतना ही रखे बस, इतने ठीक है। हाँ ठीक है, इतने उधर उधर से लेना, इधर से इधर। तो गाइज मैंने अभी प्री वर्कआउट मील ले ली है, और अभी मैं निकल रहा हूँ जिम की तरफ। अभी से मन हो रहा है वर्कआउट करने का, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको इस मील से मिलने वाली है ना, बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ। तो चलिए मैं निकलता हूँ यार, वो उसको बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे उसको। हैं यहीं कहीं फेंक देता हूँ, इधर ही फेंक देना कचरे में। हाँ फेंक दे, फेंक दे, क्या करना है इसका, वीडियो बन गई अपनी, बढ़िया चलेगा। चलो फिर मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्री वर्कआउट मील को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।